लियो अभी इंडियन का मोस्ट हाइप अपकमिंग फिल्म है और फिल्म का आज मैं प्री रिलीज बिजनेस यानी कि कौन से एरिया पे कितने करोड़ में सोल्ड आउट हुआ है थिएटरिकल राइट और मेकर्स ने कितने करोड़ का प्रॉफिट कर चुके हैं ऑलरेडी इसके बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों वीडियो इन तक जरूर देखिए। चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन ओवरसीज राइट। जहाँ पर लियो फिल्म का ओवरसीज राइट खरीदा है फर्स्ट फिल्म लिमिटेड और जो खरीदा है लगभग 60 करोड़ में। ऐसे करके एज ए इंडियन फिल्म लियो किया है एक नया रिकॉर्ड यूके बॉक्स ऑफिस पे। माना जा रहा है कि लियो ओवरसीज पे 50 करोड़ तक तगड़ा ओपनिंग लाएगा क्योंकि प्री एडवांस बुकिंग पे लियो ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडवांस बुकिंग लाई है और जो एज इंडियन फिल्म एक रिकॉर्ड कलेक्शन होगा। नंबर टू डिजिटल राइट। जहाँ पर लियो फिल्म का डिजिटल राइट खरीदा है नेटफ्लिक्स ने और जो खरीदा है लगभग 140 करोड़ का एक ह्यूज अमाउंट पे। नंबर थ्री ऑडियो राइट। लियो फिल्म का ऑडियो राइट खरीदा है सोनी म्यूजिक लेबल और जो खरीदा है लगभग 16 करोड़ में। बता दोस्तों लियो फिल्म के बाद थलपति विजय का जो नेक्स्ट फिल्म है थलपति 68 इस फिल्म का ऑलरेडी ऑडियो राइट सोल्ड आउट हुआ है जो खरीदा है टी सीरीज ने 26 करोड़ में और जिसका कंपोजर पे है यूवन। और थलपति 68 को देखकर म्यूजिक राइट के मामलों पे एज ए तमिल फिल्म हाईएस्ट राइट सोल्ड किया है विजय का अपकमिंग फिल्म थलपति 68 यानी कि विजय ने खुद का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ा है। नंबर फोर सैटेलाइट राइट। जहाँ पर थलपति विजय का फिल्म लियो का सैटेलाइट राइट खरीदा है सन टीवी ने और जो खरीदा है लगभग 90 करोड़ में। नंबर फाइव तमिल राइट। अभी आ जाते हैं लियो का होमलैंड यानी कि तमिलनाडु राइट के बारे में। ये राइट खरीदा है सेवन स्क्रीन स्टूडियो लगभग 100 करोड़ में। ऐसे करके थलपति विजय का जो लास्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म रहा मास्टर उसका जो थिएटरिकल राइट रहा उसको ब्रेक किया है लियो फिल्म। जहाँ पर मास्टर का तमिल थिएटरिकल राइट सोल्ड हुआ था लगभग 83 करोड़ में। नंबर सिक्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राइट। जहाँ पर आंध्र तेलंगाना राइट सोल्ड आउट हुआ है सिथारा एंटरटेनमेंट के पास और जो खरीदा है लगभग 21 करोड़ में और ये विजय का कैरियर में हाईएस्ट अमाउंट है। इससे पहले हाईएस्ट था विजय का लास्ट फिल्म वरिसु जिसका आंध्र थिएटरिकल राइट सोल्ड हुआ था लगभग 18 करोड़ में। नंबर सेवन केरला राइट। लियो का केरला थिएटरिकल राइट सोल्ड आउट हुआ है गोकुलम मूवीज की बैनर में और ये खरीदा है लगभग 16 करोड़ में। और देखा जाए तो एज ए तमिल फिल्म केरला पे ये प्री रिलीज बिजनेस हाईएस्ट अमाउंट है यानी कि लियो फिल्म को देखकर थलपति विजय ने केरला थिएटरिकल राइट पे किया है एक नया रिकॉर्ड। देखा जाए तो थलावर रजनीकांत का फिल्म जेलर का केरला पे जो थिएटरिकल राइट था उससे भी ज़्यादा राइट पे सोल्ड हुआ है लियो फिल्म। जहाँ पर जेलर पे मलयालम का कॉम्प्लीट एक्टर मोहनलाल शामिल था फिर भी जेलर का केरला थिएटरिकल राइट सोल्ड आउट हुआ था लगभग 9 करोड़ में। नंबर एट कर्नाटका राइट। जहाँ पर लियो का कर्नाटका राइट सोल्ड आउट हुआ है 15 करोड़ में। नंबर नाइन हिंदी राइट। लियो का हिंदी राइट खरीदा है गोल्ड माइन टेलीफिल्म और गोल्ड माइंस ने ये खरीदा है लगभग 28 करोड़ में। बता दोस्तों जहाँ पर मेजर नेशनल मल्टीप्लेक्स यानी कि पीवीआर सिनेमा और सिनेपोलिस पे लियो फिल्म हिंदी पे रिलीज नहीं होगा। हिंदी पे सिर्फ सिंगल स्क्रीन पे रिलीज की जाएगा लियो फिल्म को और जहाँ पर 2000 सिंगल स्क्रीन मिला है हिंदी डब्ड के लिए और इसी वजह से माना जा रहा है कि हिंदी पे लियो फिल्म का उतना एक्सपेक्टेशन का मुताबिक कलेक्शन नहीं आएगा। नंबर टेन नॉन थिएटरिकल राइट। लियो फिल्म का नॉन थिएटरिकल राइट सोल्ड आउट हुआ है 246 करोड़ में। नंबर 11 प्री रिलीज रिकवरी। जहाँ पर इसमें शामिल है सैटेलाइट डिजिटल म्यूजिक और थिएटरिकल राइट यानी कि देखा जाए तो अभी तक के मेकर्स ने रिकवरी कर चुके हैं लगभग 422 करोड़ और जो एज ए तमिल फिल्म ऑल टाइम रिकॉर्ड रिकवरी है।
इसके बाद नंबर टू पे आ जाते हैं तमिल का फिल्म मारासूर्या का फिल्म कनगुवा, जिसका प्री रिलीज बिजनेस आई है लगभग 400 करोड़ के आसपास। यानी कि रिलीज होने से पहले ही थलपति विजय ने अपनी फिल्म लियो को देकर किया है एक रिकॉर्ड। कॉन्ग्रेचुलेशन लियो टीम और थलपति विजय को। तो सो ये रहा लियो फिल्म का टोटल प्री रिलीज रिकवरी, साथ में सारे एरिया का क्रिटिकल राइट्स के बारे में। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और इस तरह का बॉलीवुड और साउथ इंडियाज मूवीज़ अपडेट पाने के लिए मालिश अज़रीन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।